नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, अब बैचलर ऑफ एजुकेशन MDU के 30 तारीख से एग्जाम है और बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो सितंबर के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उन्हीं के मद्देनजर हम लोगों ने अपने नए क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो है आज से स्टार्ट कर दी है। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और 101% जो भी क्वेश्चंस हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे वो 101% आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत खास जो होने वाली है, इस वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखना ताकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाओगे तो पहले से ही ये क्या सारी की सारी चीज आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए और अच्छे तरीके से क्या गाइज अपना एग्जाम दो। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अमित सर जो चीज बताएंगे उसको फॉलो करना और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो गाइज, फर्स्ट जो पेपर है अपना चाइल्डहुड वाला, ग्रोइंग अप वाला, पहला जो आपके एग्जाम में आएगा डेफिनेटली वो कौन सा है, मीनिंग प्लस जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो मीनिंग क्या है, मीनिंग आ सकता है प्लस जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। गाइज 101% ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। रट के चले जाना, बिल्कुल आपको एग्जाम में मिलेगा, घुमा फिरा के आ सकता है पर ये वाला जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है गाइज, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जामिनर आपसे कि भाई डिस्क्राइब पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉलबर की जो थ्योरी है ऑफ मॉरल। ये डेफिनेटली गाइज आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है, कॉग्निटिव थ्योरी क्या है जीन पियाजे की और जो कॉलबर है उसकी जो मॉरल स्टोरी है उसके बारे में अंतर बताइए, या दोनों का जो विश्लेषण है या जो पूरी चीज है इसका डिस्कशन है वो कीजिए। बड़े क्वेश्चनों के अंदर आएगा, 16 नंबर का जो क्वेश्चंस भाई आप लोगों को लिखना है। अगला जो तीसरा क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 101% आपके एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि भाई डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो इंडिविजुअल जो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उसका वर्णन कीजिए 16 नंबर के अंदर। 101% ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलेगा, याद करके रीड करके रट के चले जाना और फटाफट इसको क्या लिख देना। अगला क्वेश्चन भाई देख लेते हैं कि कौन सा आप लोगों के लिए है। अगला है कि रोल ऑफ प्ले एंड गेम इन एजुकेशन, यानी कि खेल और गेम का जो क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। घुमा फिरा के भी एग्जामिनर पूछ सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपका आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि MDU के CRSU के जो भी एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है अभी उसमें छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मान लिया आपका पहला क्वेश्चन है उसमें चार चार नंबर के चार क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, तो वो आपका 16 नंबर का ही टोटल काउंट होगा। या तो छोटे में आ सकते हैं या बड़े में आ सकते हैं पर आएंगे जरूर, पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग क्या है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन, रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि जो टीचर का रोल है, ठीक है, रोल ऑफ ए टीचर, टीचर का रोल बताइए लर्निंग में और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। पूरी हमने थ्योरी पढ़ा रखी है, इससे रिलेटेड भी क्या है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये वाला भी जो आपको क्वेश्चन है दोनों को अच्छी तरह से मेमोराइज करना ताकि अच्छे मार्क्स गाइज आप लोगों के आ जाए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेते हैं कि भाई अगला जो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भाई डिफाइन चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी प्लस ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि देखो जिस हिसाब से अपने देश के अंदर आपको पता है कि एक तरफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जो गरीबी है पॉवर्टी है वो भी क्या है पैरेलल चलती है, तो ये वाला जो एग्जाम में जो एग्जामिनर है क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल देता है क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है और एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि भाई बहुत अमीर आदमी भी हैं और गरीब आदमी भी हैं। ऐसे आदमी है जो दो वक्त का खाना नहीं है और ऐसे आदमी भी है जो खाने को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाइल्डहुड के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट में जो पॉवर्टी प्लस ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में क्या है विवेचना या वर्णन कीजिए, ये एग्जामिनर आप लोगों से भाई डेफिनेटली पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं मूव हो जाता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है।
ये वाला क्वेश्चन भी 101% आएगा, लिखवा लो मुझसे। क्या है? इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है हमारे समाज के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, इन दोनों का कितना प्रभाव है और ये क्या प्रभाव डाल रही, इसका क्या है प्रकाश डालिए या इसका विवेचन कीजिए या इसका डिस्कशन कीजिए। तो भाई सात जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं गाइज, बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के लिए चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या फिर एमडी यूनिवर्सिटी जिसके 30 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होंगे, इनको पढ़ के चले जाना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और जिस दिन आप लोगों का एग्जाम हो और जिस दिन ये वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर जो क्वेश्चन आपने बताए थे वो डेफिनेटली आए। अगर नहीं आते, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस और इतना कॉन्फिडेंस हमें अपनी चीजों पे है। एक कॉन्फिडेंस होना अलग बात है गाइस, एक ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। हम लोग टीचर हैं, लेक्चरर्स, तो वी नो वेरी वेल कि क्या चीजें एग्जामिनर रोटेट करके दे सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, इनको पढ़ के चले जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हो सकता ना भी आए या प्रॉब्लम ऐसा कुछ है, तो भाई फिर आप अपने हिसाब से स्टडी कर लेना। जो बच्चे शॉर्ट टाइम में अपनी स्टडी करना चाहते हैं और एक अच्छा परसेंटेज लेना चाहते हैं, वो इन क्वेश्चनों को जरूर मेमोराइज करना ताकि अच्छे नंबर आ जाएं। दूसरी बात, अपना रोल नंबर साथ लेके जाना, अपनी पानी की बोतल लेके जाना, अपना आधार कार्ड लेके जाना, जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। और जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, उस पर भी आप फोकस करना ताकि बच्चों को एग्जाम देते वक्त किसी चीज की प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। और हम लोगों ने अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज आप कंटिन्यूस चैनल को देखते रहा करो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारे जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे ताकि आप लोगों को हर प्रकार की नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के हम लोग कराएं। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना गाइज। थैंक यू सो मच।